उसमें जो है 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। सो इसका जो है फर्स्ट सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है, सेकेंड सम देखो क्या है, एक्स इक्वल्स टू क्या है, टू वाई, एक्स इक्वल्स टू टू वाई और वाई इक्वल्स टू जीरो है और वाई इक्वल्स टू फोर है। सर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं, आप एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अगर एरिया जो है, एरिया अगर एक्स एक्सिस के लिए देखना है, एरिया किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। सो एक्स एक्सिस के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया होता है, एक्स एक्सिस के लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, अगर एक्स एक्सिस पर है ना तो चेंज होता है एक्स एक्सिस पे, सो यहाँ पे इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, डी एक्स। और अगर वाई एक्सिस के लिए होगा, एरिया किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। अगर हमें एरिया वाई एक्सिस के लिए कैलकुलेट करना है तो देखो रिक्वायर्ड एरिया जो है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, डी वाई, ठीक है, क्या आएगा, डी वाई। एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए फंक्शन किसका आता है, वाई का आता है, और वाई एक्सिस के लिए फंक्शन किसका आता है, एक्स का आता है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो यहाँ पे दोनों जो है एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे एक्स इक्वल्स टू ए हो गया और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बी। अगर वाई एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हो, y एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का जो पॉइंट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो दोनों क्या होगा, c और d, मतलब y का पॉइंट हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स है तो उसमें जो सबसे लोएस्ट वाला कर्व होता है, लाइन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो है सेकेंड सम, अच्छा इसमें x इक्वल्स टू क्या दिया है, टू वाई, x equals to 2y और y equals to 0 और y equals to 4. So, इसमें देखो changes जो है, changes कौन से axis पर हो रहा है बताओ, y axis पर change हो रहा है, क्योंकि y का value पहले 0 है और फिर बाद में कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे changes कहाँ पे हो रहा है, y axis पर हो रहा है, ठीक है। और x का value जो है, x का जो function है वो क्या है, 2y है। पहले इसका हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, फर्स्ट का सेकंड सम ऐसे लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू वाई के पॉइंट्स लिखो, वाई के लिए पॉइंट क्या है, वाई इक्वल्स टू जीरो है और फिर वाई इक्वल्स टू फोर है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, डी वाई, और फंक्शन किसका आएगा, एक्स का। अच्छा एक्स का वैल्यू पुट करो इसमें, हाँ एक्स के लिए कौन है, टू वाई है, एक्स के लिए क्या दिया है, टू वाई, अच्छा लास्ट लेक्चर में इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ था, एक मिनट से का, म्यूट करो माइक।
महालक्ष्मी माइक म्यूट कर रहे हो। सॉरी। हाँ कोई नहीं। अब इसमें देखो जो है y इक्वल्स टू जीरो था और y इक्वल्स टू क्या है फोर है और x इक्वल्स टू क्या है टू आई है, तो फंक्शन किसका आ जाएगा x का। सो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या आ जाएगा। लिमिट जीरो टू फोर है और y का जो फंक्शन है वो कौन है टू आई है और dy है, ठीक है। तो हम लोग टू को क्या करते हैं बाहर लिखते हैं, ठीक है। टू को जो है बाहर लिखोगे और y का इंटीग्रेशन निकालोगे, सो टू बाहर आ जाएगा और y का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन टू ना, हाँ बराबर y स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा और लिमिट जो है वो कहां से कहां तक होगा जीरो टू फोर हो जाएगा। अच्छा टू और टू को कैंसिल कर दो, ये टू और ये टू को कैंसिल कर दो, अब y का तो इसका एरिया जो है, एरिया हम लोगों को क्या मिल गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सम समझा क्या सबको कैसे किया हम लोगों ने सॉल्व। समझा कि नहीं समझा ये समझ से स्वयं। यस सर। हाँ तो ये जो है ना एरिया मिल गया हम लोगों को, अब हम लोगों को ना इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब जो अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करो तुम लोग, क्योंकि ये जो है विदाउट डायग्राम ना मतलब सॉल्व करोगे तो सम में मार्क्स कटेगा, हाँ याद रखो। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, देखो x इक्वल्स टू टू y है, x इक्वल्स टू टू y है और y का वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू फोर है। अच्छा ये बताओ अगर कोई भी लाइन है और उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो वो लाइन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से पास, हाँ ओरिजिन पास होता है। एक मिनट, जो है लाइन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। सो ये देखो क्या है एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है ये, और फिर उसके बाद जो है ये देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अच्छा लाइन क्या है y इक्वल्स टू टू एक्स है, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू टू वाई, जो है लाइन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, कहाँ से पास होगा ओरिजिन से। और इसका इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू टू वाई, ये जो है ओरिजिन है और इसका इक्वेशन x इक्वल्स टू टू वाई है। अच्छा y के कोऑर्डिनेट्स क्या था, y इक्वल्स टू जीरो, so y equals to zero बताओ कहाँ पे होता है, x axis पर, बराबर y equals to zero जो है वो x axis पर होता है, और y equals to four कहाँ होगा, line parallel to किसके होगा x axis के, line parallel to x axis जो होगा, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है y इक्वल्स टू फोर है, y इक्वल्स टू फोर है, इसका मतलब हम लोगों को ये जो ट्राइंगल शेप में बनाया ना इसका एरिया हमें फाइंड करना था। ठीक है इसका एरिया जो है हमें फाइंड करना था, ये वैल्यू हम लोग हमने फाइंड किया अभी। ये वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया, इसको हम लोगों ने वो कंसीडर कर लिया कि ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स बी के क्या होंगे जीरो कॉमा फोर हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है सो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया का यहाँ पे नाम दे दो, ओ से स्टार्ट करो, ओ ए
बी और ओ वापस, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ। डायग्राम समझा कि सबको कैसे बना? यस सर। नहीं समझा है तो पूछो। हाँ रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ, तो ये जो है आपका सेकेंड सम कंप्लीट हो गया। डायग्राम कंपलसरी है यार, अगर टू मार्क्स के लिए आता है तो नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, बट थ्री मार्क्स के लिए आएगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा, समझा? अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट जो है सर x is equal to y कैसे बनाएं? x is equals to 2 है ना। अब ये कहां से लाइन पास होगा यहाँ पे महालक्ष्मी? ये ओरिजिन से पास होता है ना। अगर x और y दोनों इक्वल है तो x का वैल्यू जो है अगर जीरो पुट करोगे तो 2 into 0 वो भी क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर जीरो को छोड़ के कुछ और वैल्यू कंसीडर करोगे ना तो x और y इक्वल नहीं होंगे, नहीं समझा? सर क्या बोले आरंभ? अगर महालक्ष्मी फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 2 y है, ठीक है, अच्छा अगर x का वैल्यू अगर हम लोगों ने जीरो पुट किया और y भी जीरो पुट किया तभी ये आंसर देखो 0,0 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x का वैल्यू जब जीरो होगा और y का वैल्यू भी जब जीरो होगा, क्योंकि देखो x और y जो दोनों इक्वल है, x और y इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे टू टाइम्स है और ये जो है लाइन अगर ओरिजिन मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है ना। याद है कि नहीं? याद है। हाँ सर याद है। जो है लाइन अगर लाइन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है ना तो लाइन कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा इसको लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है। x इक्वल्स टू 0 है, x टू 5 है, y इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 4 है। अच्छा अगर x इक्वल्स टू है मतलब लाइन पैरेलल किसके होगा? अगर x का पॉइंट है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। एक मिनट देखो पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। थर्ड सम x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 4। इसको हमें देखो प्लॉट करते हैं पहले सबसे, क्योंकि इसमें फंक्शन वगैरह हमें पता नहीं है ना, तो पहले इसमें जो है पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। y एक्सिस हो गया ये और ये जो है x एक्सिस। कहीं पे नहीं समझा तो पूछो। हाँ ये y एक्सिस है और ये कौन है? x एक्सिस है। ये बताओ x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है? x इक्वल्स टू 0 जो है वो y एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, x इक्वल्स टू 5 है, x इक्वल्स टू क्या है? 5 है। हम लोग कंसिडर करते हैं ये 0 है मतलब ओरिजिन है, फिर यहाँ पे 1, ये 2 और यहाँ पे 3, फिर ये 4 और फिर ये क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। और यहाँ पे y के लिए 1 2 3 और ये जो है क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये x के लिए 0.5 है, x के लिए जो है पॉइंट क्या है? 5 है, तो x इक्वल्स टू 5 जो है वो लाइन पैरेलल टू किसके होगा? x एक्सिस के। ये x इक्वल्स टू 5 हो गया। अच्छा उसके बाद और क्या लाइन है? y इक्वल्स टू 0। अच्छा y इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होगा बताओ? बराबर y equals to 0 जो है ये x axis पर होगा। अच्छा अब उसके बाद में y equals to 4 है, तो y equals to 4 line जो है parallel to किसके होगा? x axis के। ये हो गया, ठीक है, ये डायग्राम हो गया कंप्लीट।
अब इसमें जो है देखो जो चारों लाइन से बाउंडेड होगा उसी एरिया को हमें फाइंड करना है, ठीक है। चारों लाइन से बाउंडेड जो है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है, इसको शेड करना पड़ेगा आप लोगों को भी। हाँ ऐसे अच्छा इसके बाद जो है हम लोगों ने कंसीडर किया ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया ए है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ए है। सो अब देखो इसका जो है हम लोग इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले जितने भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे उनको पहले यहाँ पे पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पे क्या है, जीरो है, ये पॉइंट ए कंसीडर करो, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5, 0। और ये पॉइंट क्या होगा, बी, ये पॉइंट क्या होगा, सी, 5, 4 हो जाएगा, बराबर 5, 4 हो जाएगा। और ये जो है कोऑर्डिनेट किसका होगा, बी का, 0, 4, और सॉरी सी का, हाँ सी का, ये सी हो जाएगा, सी। क्या नहीं समझा अंकुश, डायग्राम कैसे प्लॉट की, अरे बेसिक है ना ये तो, एक्स इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्स पर, ठीक है, समझे सर, x equals to 0, y axis पर होता है, और x equals to 5 जो है, x equals to 5, line parallel to किसके होगा, x axis के, sorry y axis के, ये जो line है, x equals to 5 है, y equals to 0 कौन से axis पर होगा, x axis पर, और y equals to 4 यहाँ पे, समझा ये, अंकुश, अच्छा पहले अब required area पहले लिखो, हाँ, required area देखो कैसे है, रिक्वायर्ड एरिया का जो नाम है वो देखो क्या है, ओ से स्टार्ट करो, ओ ए बी एक्सिस पर, देखो कहां से कहां तक जो है पॉइंट चेंज हो रहा है, जीरो से चेंज हो रहा है, ठीक है, जीरो से चेंज हो रहा है कहां तक, फाइव तक, तो इसका लिमिट जो है x equals to 0 से लेकर कहां तक आ जाएगा, x equals to 5 तक। अच्छा x axis पर function क्या आ जाएगा, dx, और function किसका आएगा, y का, समझा ये सबको, yes, आप लोग y axis के लिए भी ले सकते हो। हाँ अच्छा आप देखो ध्यान से, so यहाँ पे x equals to 0 हो गया और y is equals to 5, sorry x equals to 5 हो गया, 0 to 5, और function हमने किसका consider किया है, y का। अब देखो जब x 0 है और x 0 जो है और x क्या है यहाँ पे 5 है, so x 0 से लेकर y sorry x 5 के लिए यहाँ पे function y का function क्या है, y equals to 4 है, ठीक है, जीरो मत कंसीडर करना क्योंकि जीरो इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो तो सेम लाइन पर हो जाएगा। तो ये जो हमारा एरिया है उसका हाइट कितना है, 4 तक है ना, इसका हाइट कितना है, 4 है, और वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे वाई इक्वल्स टू 4 दिया है, मतलब वाई का वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स। अच्छा 4 को बाहर रखो, 4 को बाहर रखोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, परफेक्ट। तो ये 0 टू 5 आ जाएगा। अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 4 x का वैल्यू 5 पुट करो, 5 - 0, सो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, सो 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो है रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। किसी को डाउट है क्या ये सब में,
देख लो ये एक बार, बाकी लोग बाकी लोगों को समझाइए। आया ना? यस सर। x equals to 4, 0 है और x equals to pi by 2 है। y equals to क्या है? sin x है। x equals to 0 और x equals to pi by 2 है। फोर्थ समझो है, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स है और पॉइंट क्या दिया है? एक्स इक्वल्स टू जीरो और फिर एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। एक्स इक्वल्स टू जीरो दिया है और एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू दिया है। सो ये बताओ आप लोग, साइन का ग्राफ पता है आप लोगों को कैसे बनता है? माइनस वन से वन तक। माइनस वन से वन तक, माइनस वन से बराबर कहाँ तक बनता है? वन तक बनता है। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, वाई एक्सिस हो गया ये, ठीक है, और उसके बाद ये जो है एक्स एक्सिस, अच्छा ये जो कभी भी फंक्शन का जब ग्राफ बनता है ना, फंक्शन का ग्राफ में जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। सो ये x इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? जीरो होगा और x इक्वल्स टू पाई बाय टू है, पाई बाय टू हमने कंसिडर किया यहाँ पे है, ये क्या है? पाई बाय टू है, x इक्वल्स टू पाई बाय टू है और ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे क्या है? प्लस वन है और यहाँ पे क्या होगा? माइनस वन। अच्छा ये बताओ, जब एक्स का वैल्यू अगर जीरो होगा, जब एक्स का वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। इसमें जब एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ही रहेगा और फिर इसके बाद एक्स का वैल्यू पाई बाय टू पुट करो, कितना आएगा? वन। वन आ जाएगा, मतलब पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? वन हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये पाई बाय टू के लिए ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, पाई बाय टू के लिए और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ये ऐसे रहता है, हाँ ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाय टू बोला गया था, x इक्वल्स टू क्या है? पाई बाय टू है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? पाई बाय टू होगा, क्या होगा? x का वैल्यू पाई बाय टू और यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो है। हम लोगों को देखो जीरो से लेकर पाई बाय टू तक का वैल्यू फाइंड करना था, कहां से कहां तक? जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, तो ये जीरो से लेकर पाई बाय टू तक है। इसका हाइट देखो जो है वो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है, हाइट क्या है? वन है। सो अब इसको जो है शेड करते हैं पहले,
ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। हाँ साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, टेक्स्टबुक में देखोगे ना ट्रिगो में तो वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसका ग्राफ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर करो। पॉइंट्स जो है हम लोगों ने कंसीडर किया, ये ओ है, ये ओ हो गया और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या है बी है, पॉइंट ओ ए बी हो गया। अच्छा उसके बाद जो है एरिया देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ इक्वल्स टू एक्स का पॉइंट देखो जीरो से लेकर पाई बाय टू तक है और फंक्शन किसका आएगा वाई का और विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा डीएक्स आएगा। सो वाई का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, y का जो है सॉरी साइन x है y का के लिए। अच्छा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x हो जाएगा। सो माइनस कॉस x और यहाँ पे लिमिट जो है वो जीरो से लेकर पाई बाय टू तक है। सो पहले पाई बाय टू पुट करो, पहले क्या पुट माइनस कॉस जीरो। अच्छा कॉस 90 कितना होता है, जीरो। हाँ कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस जीरो कितना होता है तो इसका वन स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये जो है रिक्वायर्ड एरिया वन मिल गया है, ये देख लो एक बार समझा अच्छे से सबको, कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ नो डाउट, बाकी लोगों को समझा अच्छे से सबको। यस सर समझा। अच्छा देखो इसके बाद वाला समझो है, थर्ड सम तक हो गया ना, हाँ ये फोर्थ सम हो गया y equals to sin x और इसके बाद जो है नेक्स्ट सम देखो इसमें। नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, एक मिनट ना सिर्फ, एक्स वाई इक्वल्स टू टू है, एक्स वाई इक्वल्स टू टू है और इसके बाद जो है वाई इक्वल्स सॉरी एक्स इक्वल्स टू वन है और एक्स इक्वल्स टू फोर है, ठीक है। एक मिनट देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फिफ्थ सम एक्स वाई इक्वल्स टू टू है और एक्स इक्वल्स टू वन है और एक्स इक्वल्स टू फोर है, x equals to 1 है और x equals to 4 है। पहले अच्छा ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को जो है हम लोग प्लॉट करते हैं,
y एक्सिस हो गया ये, और फिर ये जो है कौन होगा x एक्सिस। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अच्छा x का पॉइंट देखो 1 है, x का पॉइंट अगर 1 है ये देखो ये 0 हो गया, फिर ये 1 2 और फिर ये 3 और फिर यहाँ पे क्या होगा 4 और ये क्या होगा 5। तो x equals to 1 पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, x equals to 1 x equals to 1 हो गया। अच्छा next कौन है, x equals to 4 है, x equals to 4 जो है ये भी line parallel to किसके होगा x y axis के, अच्छा अब इस पे graph देखो कैसे draw करना है हम लोगों को, point कौन से axis पर है x axis पर 1 और 4 ठीक है। अच्छा तो मतलब हम लोगों को किसका फंक्शन लिखना पड़ेगा बताओ, y का फंक्शन किसका लिखोगे, y का बराबर, फंक्शन जो है हम लोग y का लिखेंगे। तो ये देखो जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे x y equals to 2 है, सो y के लिए, y के लिए 2 upon x लिख सकते हो ना। yes, sir. अच्छा अब हम लोग ना x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करोगे इसमें अगर 1 पुट करोगे तो 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 2। जब x का वैल्यू अगर 1 होगा, ये एक एग्जांपल सिर्फ है, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू जो है वो क्या होगा 2। जब x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू बताओ क्या होगा 4। नहीं 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 x का वैल्यू हम लोग अगर 2 कंसीडर करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा ठीक है। जब x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू बताओ क्या आएगा 2 अपॉन 3 मतलब 0.66 आया ना। आवाज आ रही है? Yes sir। हाँ तो ये जो है ये पार्ट समझा सबको, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 1 कंसीडर किया सो y जो है वो 2 मिल रहा है, जब x का वैल्यू हम लोग 2 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे 1 मिल रहा है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0.66 है। अच्छा x का वैल्यू अगर 4 हो क्या आएगा 1/2 मतलब 0.5 क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम लोग जो x का वैल्यू है वो देखो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, और y का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज। अच्छा y डिक्रीज हो रहा है। अच्छा देखो अभी यहाँ पे पहले 2 मिला फिर 1 मिला 0.66 मिला 0.5 मिला, अच्छा एक ऐसा स्टेज आया कि जहां पे y का वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 जीरो के, इतना समझा सबको, इसे ना हम लोग रेसिप्रोकल ग्राफ बोलते हैं ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ, इसमें जो है x का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है और y का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है, और एक ऐसा कंडीशन होगा पे x एक्सिस और ये लाइन का जो है ग्राफ दोनों क्या हो जाएंगे एक ही मतलब ज्वाइन हो जाएंगे, तो इस ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका ये जो है कुछ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनेगा और आगे चलकर ये कहाँ पे x एक्सिस से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ समझा क्या, देखो x का जो ग्राफ है ये जो ये ग्राफ है x y equals to 2 के लिए लिखना कैसे है, ये रेसिप्रोकल का ग्राफ होता है, यहाँ पे 1 पे देखो फंक्शन हाई होगा बट जैसे जैसे आप x एक्सिस पर आगे जाओगे
तो इसका वैल्यू कम होते 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 क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को टच हो जाएगा, समझा ग्राफ? हाँ सर। हाँ ये कैसे ना, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है ये, देखो कुछ ऐसे बनता है, स्लोप इसका ऐसे डिक्रीज होता रहता है, मतलब ये कम होते जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा फिर लास्ट में ऐसे जीरो जीरो मतलब एक्स एक्सिस को टच हो जाएगा, ये समझा ना, ये सबको आया ना? हाँ तो ये जो है ये एक पार्ट हो गया। अच्छा ये ऑप्शनल है ना, लिखो या मत लिखो, ये वाला पार्ट जो है लिखना या फिर मत लिखना, ठीक है? सो क्रॉस कर दिया है। अब इसमें जो है इससे शेड करते हैं, ये पोर्शन को हमें फाइंड करना है, ये पार्ट को फाइंड करना है। अच्छा ये यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और फिर यहाँ पे सी, और ये पॉइंट डी है। सो यहाँ पे लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी और वापस ए इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पर देखो पॉइंट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वन से लेकर फोर तक, और फंक्शन किसका आएगा, वाई का, और यहाँ पे किसका वैल्यू आ जाएगा, डी एक्स का। अच्छा तो ये जो है वाई के लिए क्या है, देखो वन टू अपॉन एक्स एन, वाई के लिए क्या फंक्शन दिया है, टू अपॉन एक्स एन। सो ये वन से लेकर फोर तक, और ये क्या है, टू अपॉन एक्स एन इंटू डी एक्स है। अच्छा टू को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, टू को जो है बाहर निकाल लो, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स, और इसका लिमिट जो है वन से लेकर फोर तक है, तो पहले हम लोग इसमें फोर पुट करते हैं, तो टू टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ फोर माइनस लॉग मॉड ऑफ वन, ठीक है, तो लॉग मॉड ऑफ फोर कितना हो जाएगा, वहां पे वैसे ही रखो इसको, ठीक है, फोर को वैसे ही रखो, और ये जो है लॉग वन कितना होता है, जीरो, लॉग वन जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, टू लॉग फोर स्क्वायर यूनिट्स, लॉग वगैरह का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, जो भी एरिया है वैसे लिखना है, ये देख लो एक बार, समझा क्या सबको अच्छे से, कुछ डाउट है क्या इसमें? कुछ डाउट से पूछो। हाँ नो सर, नो सर। हाँ बाकी लोगों को समझा? नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा नेक्स्ट सम इसमें एक मिनट, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 4, दोनों सम एक ही जैसा है वैसे तो, 5 और 6 जो है दोनों एक ही जैसा है, x equals to y square equals to x और y square equals to 16x है। देखो इसका कुछ पहले नोट लिख लेना, ये नोट लिख लेना पहले, यहाँ पे लिखते हैं नोट में क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, पैराबोला के बारे में आप लोगों को कुछ भी आइडिया है? इक्वेशंस ऑफ
पैराबोलास। अच्छा देखो इसमें पैराबोला का इक्वेशन कैसे होता है और इसका डायग्राम कैसे होता है। सो पैराबोला जो है ना फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है राइट साइड पैराबोला, राइट साइड पैराबोला। इसमें इसका डायग्राम देखो कैसा होता है। ये जो है वाई एक्सिस हो गया, ये कौन है वाई एक्सिस है और ये जो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस है। अब पैराबोला अगर है ना तो पैराबोला जो है ये ऐसे रहता है, सी टाइप कर्व होता है जो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस को ज्वाइन हो मतलब ओरिजिन से टच होकर जाता है। ये जो है क्या है पैराबोला है। एक मिनट ये जो है इसका इक्वेशन देखो क्या है। इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जो है ये आपका वर्टेक्स होता है, कभी भी याद रखो। ये जो है ये क्या होता है वर्टेक्स होता है और यहाँ पे जो है क्या होता है फोकस होता है। फोकस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा जीरो। एस क्या है यहाँ पे फोकस है, सबके लिए कॉमन होता है ये मतलब फोकस यहाँ पे फोकस कौन है एस है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा जीरो है। और जो वर्टेक्स है वर्टेक्स जो है कौन है ओ है और यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो है। ठीक है तो राइट साइड अब नेक्स्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला देखो क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला राइट हैंड साइड पैराबोला समझा सबको। यस सर। अगर वाई स्क्वायर प्लस में होता है ना तो राइट साइड पैराबोला होता है और फिर उसके बाद जो है सेकेंड है यहाँ पे सेकेंड जो है लेफ्ट साइड पैराबोला। लेफ्ट साइड पैराबोला लेफ्ट साइड पैराबोला कैसा होता है वैसे रहेगा और वाई स्क्वायर माइनस में होता है। वाई स्क्वायर किस में होता है माइनस में। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो पहले ठीक है और फिर उसके बाद जो है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो उसमें कैसा रहता है ना कि सेम जैसे एक्स एक्सिस के लिए मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स था। अब ये नेगेटिव साइड होता है ये जो है कहां पे होता है नेगेटिव साइड में। सो इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा इसका फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ माइनस ए कॉमा क्या होगा जीरो होगा। माइनस ए कॉमा क्या होगा जीरो और ये क्या होगा यहाँ पे वर्टेक्स। समझा सबको ये पार्ट आया ना। लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट साइड में वाई स्क्वायर माइनस होता है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में वाई स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो दो साइड का पैराबोला हो गया। थर्ड साइड देखो क्या है थर्ड साइड जो है अपर साइड पैराबोला। अपर साइड पैराबोला अपर साइड पैराबोला में कैसा होता है फॉर एग्जाम्पल ये जो है हम लोग ने कोऑर्डिनेट एक्सिस y कंसीडर किया ठीक है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस y है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है x है।
और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कंसिडर किया, ये जो पैराबोला है ना अब यहाँ पे अपवर्ड साइड के लिए, वो कुछ ऐसे होगा अपवर्ड साइड में होगा। सो अच्छा अपवर्ड साइड में ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b हो जाएगा, और इसके बाद ये जो है वर्टेक्स होगा, और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में है जहां पे y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये x square equals to y होता है यहाँ पे, x square equals to y अपवर्ड साइड में, x square equals to क्या होता है, y होता है। ये क्या है, y square equals to x है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, y square equals to minus x है, और फिर उसके बाद जो है अपर साइड के लिए x square equals to है, और फिर डाउनवर्ड साइड के लिए क्या होगा बताओ, डाउनवर्ड साइड के लिए क्या हो जाएगा, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो जैसे x square equals to plus y होता है अपर साइड के लिए होता है, डाउन साइड पैराबोला के लिए x square क्या होगा, नेगेटिव होगा, डाउन साइड के लिए x square क्या होगा, नेगेटिव। ये जो है कर्व हो गया, ये x और y एक्सिस हो गया, अब यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड साइड के लिए होगा, x और y ये क्या होगा, x square equals to minus y हो गया, और यहाँ पे s होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b, ठीक है, ये जो है आपका सेंटर हो गया। अच्छा चारों टाइप के पैराबोला एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, चारों टाइप का जो पैराबोला है वो एक बार देख लो अच्छे से, पहले ये दोनों देख लो। अच्छा हो गया ये, सिर्फ हम लोगों को ना जो है x square है कि y square है ये सब में ज्यादा याद रखना पड़ेगा अपने को, x स्क्वायर दिया है कि y स्क्वायर दिया है। देखो अगर y स्क्वायर प्लस है तो राइट साइड पैराबोला, y स्क्वायर माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला, x स्क्वायर प्लस है तो अपवर्ड साइड, और x स्क्वायर माइनस है तो डाउनवर्ड साइड। आगे सॉल्व करें सब अभी। यस सर। अच्छा और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर जो लाइन फोकस से पास होता है ना, जो लाइन फोकस से पास होता है उसको लैटस रेक्टम बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे समझ लो, जैसे ये लाइन जो है यहाँ पे फोकस से पास हो रहा है, तो ये जो लाइन है ना जब दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन होता है, पैराबोला के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ये फोकस से पास होता है, तो ये जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम,
सो क्या बोला जाता है लेट अस रेक्टम, सबके लिए वैसे ही है ठीक है। लेट अस रेक्टम क्या होता है, जो लाइन पास होता है फोकस से और दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। सो लेट अस रेक्टम का मीनिंग समझा सबको अच्छे से? यस हाँ। अच्छा देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस एक्स, एक मिनट सिक्स्थ सम देखो क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस एक्स है व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है फोर दिया है। अब देखो वाई स्क्वायर अगर कहीं पे भी दिखा तो इसका मतलब ये पैराबोला है ठीक है। पैराबोला के लिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, ये कौन से साइड का पैराबोला होगा बताओ? राइट, ये जो है राइट साइड पैराबोला होगा बराबर, ये जो है राइट साइड पैराबोला होगा। तो इसको जो है पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट साइड पैराबोला। तो ये जो है हमें फाइंड करना है, अच्छा डायग्राम सबको सबको समझा कि नहीं समझा? हाँ पीछे वाला पार्ट भी आएगा, कौन सा शेडेड क्वेश्चन में नेगेटिव भी आएगा, सेवेंथ क्वेश्चन में नहीं नहीं सर सिक्स्थ क्वेश्चन में, हाँ पर रहना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस भी हम लोग को शेड करने का है, नेगेटिव वाई एक्सिस, हाँ दोनों के लिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो पैराबोला है ना पैराबोला के अंदर का जो पार्ट है और लाइन के लिए जो पार्ट है उन दोनों के बीच का पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। देखो हम लोगों ने जो शेड किया है ना वो एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू फोर के बीच का जो पोर्शन है और पैराबोला का जो पोर्शन है ना उसको ही हमने शेड किया है, समझाइए? Yes, sir. अच्छा अब देखो इसको ना हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, इसको दो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं ठीक है, इसको जो है हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट का फाइंड करेंगे बाकी जो है टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। इसको हमने कंसीडर किया यहाँ पे ये जो है पॉइंट ओ होगा, ये पॉइंट ओ है, ये एस है और ये ए है। अच्छा ये बताओ अगर हम लोगों ने ओरिजिन से लेकर अब इसका एरिया जो है देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या है यहाँ पे, ओ है फिर एस है फिर ए है और वापस क्या है ओ है, रिक्वायर्ड एरिया ओ एस ए ओ या फिर ऐसे लिखो आप एरिया यहाँ पे सर बी भी है ना एरिया, हाँ बी को भी लेना है, बी को भी लेना है तो ऐसे लिखो ओ बी एस ए ओ, समझा? यस सर। रिक्वायर्ड हाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ओ है बी है एस है ए है और ओ है, इक्वल्स टू अच्छा ये बताओ ये दोनों पोर्शन इक्वल है ना, ओ एस ए ओ और ओ एस बी ओ ये दोनों इक्वल है ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन क्या ओ एस ए ओ ये फाइंड करते हैं और इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हम लोगों को टोटल एरिया मिल जाएगा। यस सर। आया ना? हाँ सर। हाँ, हम लोग जो है ना ओ एस ए ओ को फाइंड करते हैं और उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब टोटल एरिया मिल जाएगा हम लोगों को। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा सबको? जल्दी बताओ बाकी लोगों को। यस सर। नहीं समझा सर। सोहेल क्या नहीं समझा? सोहेल क्या डायग्राम नहीं समझा? सर सोहेल नहीं है। फिर कौन है? अच्छा एक मिनट, फिर किसको नहीं समझा? प्रज्वल। अच्छा मोहम्मद था सर, अंकुश था। अच्छा आप कुछ बोलो, क्या क्या नहीं समझा अंकुश? मेरे को समझा सर, मेरे को समझा सर। अच्छा फिर ठीक है चलो। अब देखो इसमें हम लोगों को ना एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है ओ एस ए ओ, ठीक है? तो ओ से लेकर एस का जो रीजन है, अच्छा इसका देखो एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम जो है ये 0.4 तक जाता है। एस एक्स एक्सिस पर ये जो है मैक्सिमम कहां तक जाता है? ये 0.4 तक जाता है। तो इसका लिमिट जो है 0 से लेकर कहां तक आ जाएगा? 4 तक आ जाएगा। इसका जो लिमिट होगा वो कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि x एक्सिस पर मैक्सिमम वहीं तक जा रहा है। बट फंक्शन किसका आएगा? y का। y का, एक तो देखो क्या है y के लिए मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 4 है, फंक्शन किसका आएगा? y का आ जाएगा, ठीक है? फंक्शन जो है किसका आएगा? y का। अच्छा देखो हम लोगों को यहाँ पे y स्क्वायर दिया है, क्या दिया है? y स्क्वायर दिया है, बट हमें फंक्शन किसका चाहिए? y का चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो y स्क्वायर जब अगर इक्वल टू x है तो y किसके इक्वल होगा बताओ? y जो है वो रूट एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 4 और y के लिए क्या आ जाएगा? रूट एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। रूट एक्स इंटू क्या होगा? डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है रूट एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा, मतलब x का पावर कितना होगा यहाँ पे? 1/2, ठीक है? तो 2 टाइम्स ऑफ x का पावर 1/2 था, तो x रेस टू n का फॉर्मूला यूज किया, 1/2 + 1, और यहाँ पे भी वैसे ही हो गया 1/2 + 1, और इसका लिमिट जो है वो कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर कहां तक होगा? 4 तक हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 टाइम्स वैसे ही रहेगा और ये x का पावर कितना होगा? 3/2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3/2, और इसका लिमिट जो है वो कहां से कहां तक होगा? 0 to 4। अच्छा 3/2 को बाहर निकाल लो, हाँ ये जो 3/2 है ना उसको बाहर निकाल लेंगे, सो 2 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4/3, और ये x का पावर क्या होगा? 3/2। तो एक बार 4 पुट करो और एक बार 0 पुट करो, ठीक है? एक बार 4 पुट करोगे और एक बार 0 पुट करोगे, तो 4/3 हम लोगों ने 4 पुट किया, सो 4 का पावर क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस, और 0 का पावर भी कितना आ जाएगा? 3/2, ठीक है? तो अच्छा 4 रेस टू 3/2 है,
फोर रेज टू थ्री बाय टू है, सो फोर को आप लोग टू का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। सो फोर बाय थ्री, ये फोर को हम लोग टू का स्क्वायर लिखते हैं, और रेज टू क्या आएगा, थ्री बाय टू, और ये तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, पावर में जो टू और टू है वो उनको कैंसिल कर दो, तो टू का क्यूब हो जाएगा, तो टू का क्यूब कितना होगा, एट हो जाएगा, ठीक है। एट हो गया तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 32/3। सो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया था, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा कि नहीं समझा, अच्छे से ही है। हाँ। एक बार इसका डायग्राम देख लो, सेवेंथ वाला सम आप लोग करो, सेम ऐसे डायग्राम भी है, सेम डायग्राम भी इसका ऐसे ही है, सेवेंथ सम आप लोग ट्राई करो, ठीक है। कुछ डाउट है क्या इसमें? सर स्टार्टिंग स्टेप है ना, उसमें वाई स्क्वायर नहीं डालना है ना, सिर्फ वाई डालना है। हाँ बराबर, सिर्फ वाई, क्योंकि फंक्शन वाई का आता है ना, इसीलिए। बाकी लोगों को कुछ डाउट है इसमें? फाइव मिनट्स का ब्रेक अभी लेंगे कि बाद में? बाद में। अच्छा बाद में, चलो देखो अभी जो है ये लास्ट वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करना, जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना आप लोग सॉल्व करो। y square equals to 16x है, ठीक है, y square equals to 16x है, और ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ मतलब डिफरेंट है नहीं, वो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में y is equal to plus or minus 4x आएगा क्या, सिर्फ 4x आएगा? 4x आ जाएगा, सिर्फ 4 root x आएगा, हाँ 4 root x आएगा, मान लक्ष्मी 4 16x है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अच्छा जो लास्ट वाला सम था ना वो देखो यहाँ पे ही है, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला सम और ये फर्स्ट वाला सम दोनों कॉमन है, एक ही जैसा है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। लास्ट वाला सम और ये वाला सम, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। अच्छा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x का पहले हम लोग जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें आप लोगों का जो है सेवेंथ वाला सम का जो है वो कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट, तो ये जो है पैराबोला के लिए, ये क्या हो जाएगा वाई, और फिर उसके बाद जो है ये कौन है, एक्स है। ये कौन है, एक्स है, ये एक्स है, और यहाँ पे कौन है, वाई है। अच्छा इसके बाद जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, तो y square equals to 16x का जो भी ग्राफ होगा ये हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे इसका इक्वेशन y square equals to 16x है, ठीक है, y square equals to 16x है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका जो है लैटिस रेक्टम से, लैटिस रेक्टम यहाँ पे इसका जो है जो फोकस से पास होता है लाइन वो क्या होता है, लैटिस रेक्टम। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लैटिस रेक्टम, ठीक है। और
लैटिस रेक्टम और ये फोकस हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या बोला है कि वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 16x है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 16x है। तो आप लोग ना जो है इसको कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, क्या दिया है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, इसको कंपेयर करो, इसको जो है कंपेयर करो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा 4a के प्लेस पे क्या मिल जाएगा, 4a के प्लेस पे क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो हम लोगों को a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। इसका मतलब ये जो पैराबोला है उसका फोकस क्या है 4,0 है, इतना समझा सबको, आया ना सर? 4ax कहां से आया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax राइट साइड के लिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 4x लेफ्ट साइड के लिए। ये फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड का, अगर टेक्स्ट बुक होगा ना उसमें है ये सब, ठीक है। ये फॉर्मूला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो एक मिनट, अच्छा ये देखो फिर जो है a के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसके लैटिस रेक्टम जो है वो क्या होगा 4,0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ये जो पहले वाला सम हम लोगों ने देखा सेम वैसे ही ये भी है, ये पोर्शन हमें फाइंड करना है, ये पोर्शन हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये पॉइंट a हो गया और ये पॉइंट b हो गया, ठीक है, ए और बी हो गया। अब इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया क्या है, ओ बी एस ए ओ है जो हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ओ बी एस ए ओ इक्वल्स टू, अच्छा ये टू टाइम्स किसका होगा बताओ, ओ एस ए ओ, ओ एस ए ओ बराबर एरिया ऑफ द रीजन, ओ एस ए ओ बराबर, ठीक है। तो ये टू टाइम्स हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे, अच्छा इसमें देखो एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम पॉइंट कहां तक है, ये जो एरिया फाइंड करना है 4 तक है, वो कहां से कहां तक हो जाएगा 2 times of 0 से लेकर 4 हो जाएगा। फंक्शन किसका आएगा, वाई का, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4√x आ जाएगा बराबर, वाई के लिए क्या आ जाएगा 4√x। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 जो था ना उसमें सिर्फ ये पोर्शन दिया था y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x और वहां पे लिमिट पहले से ही दिया था 0 to 4 मिला,
हाँ सर, x इक्वल टू जीरो दिया है, x इक्वल टू हाँ x इक्वल टू जीरो दिया है और x इक्वल टू फोर, तो इसके बाद वाला जो सम है ना, मतलब सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा सेवन के जैसा, तो टू टाइम्स ऑफ क्या होगा इसका जीरो टू फोर, और यहाँ पे क्या दिया ये फोर रूट एक्स है और इंटू क्या है dx है, फोर रूट एक्स है और इंटू क्या है dx है। अच्छा फोर को बाहर निकाल लो, हाँ फोर को जो है बाहर निकाल लो, फोर इंटू टू क्या हो जाएगा एट, और ये जीरो से लेकर कहाँ तक हो जाएगा फोर तक हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब क्या है x का पावर वन बाय टू इंटू dx है, ठीक है। तो एट का जो है वैल्यू वैसे ही रखोगे, x का पावर कितना हो जाएगा थ्री बाय टू, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थ्री बाय टू, और इसका लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है जीरो से लेकर फोर तक। अब तक कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। अच्छा अब इसको क्या करो, थ्री बाय टू को जो है टू बाय थ्री लिखो, तो ये सिक्सटीन अपॉन थ्री आ जाएगा, और ये जो एक्स है उसका पावर थ्री बाय टू था, तो एक बार अपर लिमिट पुट करो और एक बार लोअर लिमिट पुट करो, सो सिक्सटीन अपॉन थ्री, अपर लिमिट कौन है फोर है, तो फोर का पावर क्या आ जाएगा थ्री बाय टू, और इसके बाद यहाँ पे जीरो का पावर भी क्या आ जाएगा थ्री बाय टू। अच्छा फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हो, सो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो टू क्यूब बचेगा, तो टू क्यूब कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिक्सटीन इंटू एट करो, एटीन इंटू सिक्स कितना आ जाएगा 128 बराबर, तो ये जो है इसका आंसर जो है 128 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, एक बार इसका डायग्राम और इसके बाद जो है सॉल्यूशन एक बार देख लो अच्छे से, देख लो हाँ पहले डायग्राम देख लो इसका, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ डायग्राम क्लियर है, लैटस रेक्टम मतलब कौन, जो फोकस से पास होता है, तो फोकस से ए बी हो गया, ये ए बी कौन है यहाँ पे लैटस रेक्टम है, ठीक है ए बी जो है वो लैटस रेक्टम है, और फिर ओ क्या है यहाँ पे सेंटर है, कोई डाउट है? नो सर। अब इसका सॉल्यूशन जो है एक बार वो देख लो, तो फोर को बाहर निकाल दिए, तो फोर इंटू टू क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, एट रूट एक्स हो जाएगा, तो एट रूट एक्स है तो हमने एक्स रूट एक्स को एक्स का पावर वन बाय टू लिखा, और फिर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो ये जो है आगे सिंप्लीफाई कर किया हम लोगों ने, एक बार देख लो ये सब, आगे फिर नेक्स्ट सम देखे। हाँ हो गया ये, देखो इसके बाद जो है अब इसमें देखो क्या दिया है, y equal to 4 minus x square, जो पैराबोला है 4 minus x square है, एंड भी क्या बोला है x axis बोला है, एक मिनट ना, सेकेंड का सेकेंड सम, क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड सम, y इक्वल्स टू 4
फोर माइनस एक्स स्क्वायर है एंड दी एक्स एक्सिस बोला है। अच्छा पैराबोला में अगर वाई स्क्वायर प्लस है, वाई स्क्वायर प्लस है तो कहां से बनता है कर्व? राइट साइड पैराबोला, राइट साइड से। और अगर एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है अगर एक्स स्क्वायर प्लस में है तो अपवर्ड साइड में बनता है, और एक्स स्क्वायर अगर माइनस है तो कहां पे बनेगा? डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड में बनेगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना? एक्स स्क्वायर किस में है? माइनस में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर माइनस में है ना तो इसका जो पैराबोला बनता है वो डाउनवर्ड साइड में बनता है। बट ये समझेगा कैसे कि अभी कैसे बनेगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं ना इसमें x एक्सिस बोला है। अच्छा ये बताओ x एक्सिस पर किसका पॉइंट जीरो होता है? y का। y। हाँ तो अब देखो ध्यान से, हाँ x एक्सिस पर ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस जो है y का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में तो जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो x square हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो x square equals to plus 4 हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 2। इतना समझा सबको? कुछ डाउट है इसमें? ये समझा क्या सबको? यस सर। अच्छा x के दो दो वैल्यूज मिले तो y के भी हम लोगों को कितने वैल्यूज मिलेंगे? दो वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो जब दो x के वैल्यूज मिल जाएंगे ना तो दो y के लिए मिलेगा। तो अब हम लोग पहले x का वैल्यू प्लस करते हैं। जब x का वैल्यू प्लस 2 होगा देन y इक्वल्स टू क्या होगा यहां पे? 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये भी क्या आ जाएगा? 0। सो जब x का वैल्यू प्लस 2 है तो y का वैल्यू मिल रहा है 0 मिल रहा है। x का वैल्यू जब प्लस 2 है तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है। अच्छा जब x का वैल्यू माइनस 2 है देन x इक्वल्स टू माइनस 2 देन y equals to 4 minus minus 2 का square, ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा तो जो first point है उसको हमने a consider किया। a का point क्या है? 2 comma 0 है। और b का point क्या है? 0 comma sorry minus 2 comma 0। समझा सबको ये part? हाँ समझाए या नहीं समझाए? हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ हम लोगों ने एक एक्स पे दो पॉइंट कर दिया, वाई एक्सिस पर गया ऑन वाई एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस पे किसका पॉइंट जीरो होगा? x का पॉइंट जीरो होगा। इसमें x का पॉइंट जीरो पुट कर दोगे तो फिर यहाँ पे y कितना मिल जाएगा हमें? 4 मिल जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पॉइंट c क्या मिलेगा? 0, 4 मिल जाएगा। तो इसका जो पैराबोला होगा ना ये तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। पॉइंट्स में ना हम लोगों को तीनों पॉइंट से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट 2, 0 है, सेकंड पॉइंट -2, 0 है, और थर्ड पॉइंट क्या है? 0, 4 है। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे हो जाएगा सर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है?
क्लियर है सर। ये देखो जो है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। अब इस पे पॉइंट हमने कंसीडर किया। ये देखो जो है पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला जो है कुछ ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा सी 0.4 और ये साइड में पॉइंट ए हो जाएगा 2.0 और ये साइड में पॉइंट बी हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2.0। अच्छा अब देखो हमें इन दोनों लाइन के बीच का मतलब ये सॉरी एक्स एक्सिस के बीच के और ये पैराबोला के बीच का जो है एरिया फाइंड करना था। अब क्वेश्चन रीड करो। हाँ देखो यहाँ पे क्या दिया था y equals to 4 - x² and the x axis। So, देखो यहाँ पे x एक्सिस हो गया और ये जो है लाइन का इक्वेशन क्या था, ये लाइन का जो है इक्वेशन y equals to 4 - x² था। अच्छा हम लोग क्या करते हैं ये पूरे एरिया को शेड करते हैं, ये पूरे पोर्शन में फाइंड करना है। डायग्राम समझा क्या कैसे बना सर? इसका वर्टेक्स 0 नहीं है? नहीं नहीं इसका वर्टेक्स सी है ना, क्योंकि जो है डाउनवर्ड साइड पैराबोला है ना ये। समझा कि नहीं समझा? इसका वर्टेक्स 0 नहीं है महालक्ष्मी, क्योंकि यहाँ पे जो पैराबोला है वो 2.0 से पास हो रहा है और -2.0 से पास हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. या तो फिर एक काम कर सकते हो आप, ये जो इक्वेशन पैराबोला का दिया है ना इसको आप इस फॉर्मेट को अपना जो है ये इक्वेशन जो दिया है ना y equals to 4 - x² अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना x² equals to 4 - y, ठीक है लिख सकते हो ना ऐसे। आया ना? हाँ सर। हाँ सर समझा। ये जो x में होता है यहाँ पे 0 है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 0 है और यहाँ पे y के साथ में 4 है, ये इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0.4 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, पहले ये जो एरिया है टोटल एरिया बताओ क्या, टोटल एरिया जो है a से स्टार्ट करना या फिर इससे स्टार्ट करो BO, BO, AC, B, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया जो है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A से स्टार्ट करो या फिर B से स्टार्ट करो, AO, BC, A, ठीक है। अच्छा ये 2 times किसका होगा बताओ, 2 times OACO एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन OACO। अच्छा O से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, O से स्टार्ट कर रहे हैं कहां तक, A तक, O से स्टार्ट कर रहे हैं A तक, तो O के लिए यहाँ पे पॉइंट क्या है 0.0 है और A के लिए 0.20 है, तो इसका मतलब O से जो है लिमिट मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और A के लिए पॉइंट क्या है 2 है और फंक्शन किसका आएगा y का। समझा सबको ये पार्ट? यस सर। वापस समझा तो अब इसमें जो है y का फंक्शन पुट कर दो, ठीक है। y का फंक्शन क्या है 2 times of 0 से लेकर 2 है, ये क्या है 4 - x² है इंटू dx है, 4 - x² इंटू dx है। अब हम लोग इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, पहले 2 वैसे ही रखोगे सर, रिपीट करो ना एक बार। अच्छा 4 बाहर आ जाए, हाँ क्या बोल रहे हो?
से डिवाइड करो ना एक बार। इसमें जो है एरिया ऑफ द रीजन ये समझा ना डायग्राम से, कहां से रिपीट करना है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अब तो कहां से स्टार्ट करूं? डायग्राम से। सोहेल देखो इसमें जो है डायग्राम के लिए पॉइंट क्या मिला था, ए के लिए 2.0 और बी के लिए -2.0 और पॉइंट है 0.4 है। सो ये तीनों पॉइंट्स कवर होने चाहिए पैराबोला में। देखो ये डायग्राम में 2.0 है और फिर -2.0 है और क्या है 0.4 है। तो ये तीनों पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को ये टोटल एरिया फाइंड करना था। हम लोगों ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ओ ए सी ओ को फाइंड करोगे और उसको 2 times से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन अब यहाँ पे देखो ओ से ए का जो लिमिट है वो कहां तक होगा, 0 से 2 तक, और फंक्शन किसका आता है, वाई का आता है, ठीक है। अब 4 को बाहर रखो और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। हाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x^3/3 हो जाएगा। और ये इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 तक। समझा से सही है? अब अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट जो है वो पुट करो 2 times ऑफ, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 4 × 2 − 2³/3, ठीक है, 2³/3 और 0 पुट कर दोगे तो सब 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 times of 8 − 8/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 times of 8 × 3 = 24 में से 8 माइनस कर दो तो 16/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझाइए सबको अच्छे से, आया ना? हाँ सर, 16 दिया है। इसी का आंसर में 16 दिया है सर। हाँ वो करेक्ट कर लो, रॉन्ग है वो। राइट सर। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया। इसके बाद देखो जो है सर, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर 7:10 से वापस कनेक्ट कर, 7:10 से वापस कनेक्ट करो, मीटिंग लीव नहीं करो। हाँ 5 मिनट्स के बाद वापस जो है स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्कनेक्ट नहीं करना।
ओके सो स्टार्ट करते हैं। आ गए ना सब लोग? यस सर। नेक्स्ट सम देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है और फिर y इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2x है। अच्छा तो हम लोगों को यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2x है और फिर इसके बाद जो है ये एक मिनट और लाइन क्या है y इक्वल्स टू 2x है। सो आप लोग ये बताओ पहले y स्क्वायर अगर प्लस में है तो कौन सी साइड पैराबोला बनता है? राइट साइड। राइट साइड सर। राइट साइड पैराबोला बनता है, बराबर। ठीक है तो राइट साइड पैराबोला बनेगा। अच्छा ये बताओ लाइन है, सो लाइन है और यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो वो कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है। वो कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है। सो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एंड वाई एक्सिस। y एक्सिस हो गया ये और फिर उसके बाद जो है x एक्सिस है ये। तो ये जो है कौन से साइड का पैराबोला है? राइट हैंड साइड पैराबोला है। सो राइट हैंड साइड पैराबोला है तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है ये जो है राइट हैंड साइड पैराबोला हो गया। इसका इक्वेशन क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2x। अच्छा लाइन जो है, लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमने कंसीडर किया वो लाइन जो है कुछ ऐसे पास होगा। ठीक है इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x है। y इक्वल्स टू ये लाइन क्या है? 2x है। ये सेंटर हो गया। अच्छा हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्लूडेड बिटवीन है ना यहाँ पे। सो इंक्लूडेड बिटवीन का मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों जो है लाइन और पैराबोला के जो बीच का पोर्शन है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये पोर्शन हमें फाइंड करना है, ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। डायग्राम समझा सबको अच्छे से? यस सर। हाँ अच्छा तो ये क्या करोगे? देखो अभी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो लाइन है और जो ये पॉइंट है, लाइन और पॉइंट देखो कौन से दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइन और पैराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे। एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया ए है। ठीक है और इसके बाद ये जो पैराबोला है, पैराबोला पे हम लोगों ने पॉइंट कंसीडर किया बी है या फिर एम है। और ये जो लाइन है ना, लाइन पे पॉइंट कंसीडर किया हमने एन है। ठीक है अब यहाँ पे अगर हम लोगों को इसका जो है एरिया कैलकुलेट करना है सो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा इसमें बताओ लोअर साइड में पैराबोला है कि लाइन है? लाइन है। लाइन है तो जब लोअर साइड, हाँ लोअर साइड में जब अगर लाइन है ना, जो भी पैराबोला हो गया या फिर जो भी कर्व हो गया, लाइन हो गया, जो लोअर साइड में होते हैं ना उसका एरिया क्या होता है? कभी भी माइनस होता है। तो यहाँ पे लोअर जो है वो
कौन है, लाइन है, तो लाइन का एरिया क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहले हम लोग ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर यहाँ से उससे ऐसे ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी, ठीक है। अब टोटल एरिया बताओ क्या होगा, टोटल एरिया ओ पी ए, हाँ बराबर ओ पी ए एम ओ हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल एरिया हो जाएगा। अच्छा टोटल एरिया ये हो गया, माइनस क्या करोगे, ओ पी एन ओ, ओ पी ए एन ओ बराबर, जो एन वाला पोर्शन है वो माइनस करोगे और जो एम वाला प्लस है, मतलब एम वाले पोर्शन में से एन वाले पोर्शन को क्या करना है, माइनस करना है। बट ये सब लिखना कैसे होता है, अब हमें ना तो इसमें पॉइंट पता है ना तो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं सबके लिए। अच्छा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन और गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो पहले हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट सम, गिवन इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, गिवन इक्वेशंस क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस टू एक्स है, y square equal to plus 2x है, इसको हम लोग 1 consider करते हैं, और जो second है वो क्या है, y square, y equals to plus 2x है। अच्छा हम लोग y के प्लेस पे 2x substitute कर देते हैं, तो 2 का वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो substituting y equals to x in equation 1, सो y का वैल्यू 2x सब्स्टिट्यूट के 1 में, y का वैल्यू 2x सब्स्टिट्यूट करो 1 में, सो क्या रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 4x, लेफ्ट हैंड साइड में 2x बराबर 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक मैडम, ये क्या है 2x स्क्वायर, 2x square equals to 2x हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x square, और left hand side से 2x जो है ये right hand side से जो 2x है ना वो left hand side में आ जाएगा, 2x equals to 0। अच्छा दोनों को ना, दोनों terms में से हम लोग 2x को common निकालते हैं, ये क्या होगा 2x minus 1 equals to 0। So therefore, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x equals to 0 और 2x minus 1 equals to 0। So students, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को 0 मिल जाएगा और x के लिए क्या मिल जाएगा 1 upon 2। So यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No sir. No sir. हाँ, तो जो है लाइन का इक्वेशन y equals to 2x है, और फिर उसके बाद जो है पैराबोला का जो इक्वेशन है वो y square equals to plus 2x। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि y square अगर पॉजिटिव है, y square अगर पॉजिटिव है तो वो राइट साइड बनेगा, ठीक है, और लाइन में अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो वो सेंटर से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, ये ओ के लिए और ए के लिए, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और फिर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने x एक्सिस पर, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, p है। अच्छा इसके बाद जो है x में दो वैल्यूज मिले, x के लिए एक जीरो मिला, एक जीरो मिल गया, और एक क्या मिल गया, 1 upon 2 मिल गया, ठीक है, x के लिए जीरो है और क्या है 1 by 2 है, तो y के लिए भी दो वैल्यूज मिलेंगे। सब्स्टिट्यूट करो, when x equals to 0, when x equals to 0, तो हम लोगों को y का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन से y equals to 2 times of 0, 0 मिल जाएगा। अच्छा इसका मतलब जो है यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो मतलब ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अच्छा अब x का वैल्यू 1 by 2 कंसीडर करो, जब x का वैल्यू 1 by 2 होगा, so y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 times of 1 by 2 आ जाएगा। अच्छा इसमें x का कोऑर्डिनेट जो है
वन अपॉन टू है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वन है। अच्छा ये लाइन और पैराबोला है ना, दो पॉइंट्स पे कट हो रहे थे, मतलब दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो हम लोग को देखो दो पॉइंट मिला है, एक 0,0 मिला है, इसका मतलब ये जो है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है 0,0। अच्छा और इसके बाद एक पॉइंट का मिला 1/2 और 1, 1/2 और मिला, एक है ना, एक इंटरसेक्शन है और ये एक इंटरसेक्शन है। सो यहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, 1/2, 1 आ जाएगा। ये बताओ जब ए का कोऑर्डिनेट 1/2 है और तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा पी का डिस्टेंस कितना होगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड कर लिया। अब देखो जो है देख लो समझा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट किए हैं और फिर इसके बाद जो है डायग्राम में टोटल एरिया क्या है, फिर एरिया माइनस करना है। एक बार डायग्राम से देख लो, कोई डाउट है अभी तक, नो डाउट बाकी लोगों को? तो आपने लास्ट में क्या बताया? अच्छी लास्ट में ये है कि जब देखो जब दो लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है, दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है 1 और 2 को हम लोगों ने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, 1 और 2 को हमने साइमल्टेनियस जब सॉल्व किया, सो हमें x के दो डिफरेंट वैल्यूज मिले और y के दो डिफरेंट वैल्यूज मिले। सो x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y का भी 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट 0-0 मिला, और जब x का वैल्यू 1/2 है तो y के लिए भी क्या मिला, 1 मिलेगा। सो जब दो पॉइंट मिलते हैं, एक कोऑर्डिनेट O का होगा और एक दूसरा किसका होगा, A का होगा, A के लिए 1/2 और 1 हो जाएगा। बट हमें P का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। सो अगर ये सेंटर से लेकर ओरिजिन से लेकर जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट 1/2 है, सो इसका मतलब O से P का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 होगा, तो 1/2, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, हम लोग पहले टोटल एरिया लिखते हैं, ठीक है। सो टोटल जो है टोटल एरिया या फिर रिक्वायर्ड एरिया लिखो, पहले रिक्वायर्ड एरिया बताओ डायग्राम से देख के, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, O है, N है, A है और फिर वापस M, O है। सर वी हैव अनदर लेक्चर एट 7:30। हाँ मैम, 3 मिनट बाकी है ना, तो हो जाएगा मैम 2 मिनट में। हाँ सर हो जाएगा मैम 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट और चाहिए मैम। अच्छा देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, O N A M O है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल एरिया लिखो, टोटल एरिया बताओ क्या है, टोटल एरिया O P A M O, O P A M O, O P M O, ठीक है। अच्छा माइनस क्या करोगे, देखो कौन सा एरिया माइनस करोगे, O P A M O O P A N O, ठीक है। तो ये एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब देखो क्या करोगे, हमारा टोटल एरिया है,
टोटल एरिया के लिए देखो ओ से लेकर पी तक जाना है, तो ओ से पी एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर जो है कहां से कहां होता है, ओरिजिन से लेकर पी तक मतलब जीरो से लेकर वन बाय टू तक चेंजेस हो रहा है, इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर जीरो टू वन बाय टू आ जाएगा, बराबर है। अच्छा ये बताओ एम जो है, एम एम कहाँ पे, पैराबोला पे है, तो एम जो है अगर पैराबोला है पे है तो इसका जो है वाई का कितना मिल जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ पैराबोला से, रूट टू इंटू रूट एक्स हो जाएगा ना, रूट टू इंटू क्या होगा, रूट एक्स हो जाएगा। सो एम के लिए रूट टू इंटू रूट एक्स हो जाएगा, इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाएगा माइनस। अच्छा एन के लिए देखो अभी ओ पी एन ओ ये भी तो वन बाय टू होती है, तो इसका लिमिट जीरो से लेकर वन बाय टू तक हो जाएगा, और एन के लिए जो वाई का फंक्शन है वो क्या था, टू एक्स था, इसको आप लोग इंटीग्रेट करना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर देना, सो आंसर आ जाएगा। समझा ये सब अच्छे से, लास्ट में लिखना सर, सर एक बार रिपीट करो ना ये लास्ट वन, कौन सा एरिया, एक मिनट अच्छा ये लास्ट लास्ट का पार्ट ना, देखो इस लास्ट के पार्ट में दिया है आपको जो टोटल एरिया था। हाँ हुआ क्या लास्ट लेक्चर में, देखो हम लोगों ने हाँ मैम बस एक मिनट, देखो लास्ट जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था जो अपर साइड वाला कर्व होता है ना वो टोटल एरिया के लिए हो जाएगा, और जो लोअर साइड वाला होता है मतलब ये लाइन होता है वो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो जो ये एन का पार्ट है, पार्ट ये लाइन का है, एन जो लाइन पे है ना, तो लाइन का फंक्शन क्या है वाई इक्वल टू टू एक्स है, तो इक्वल टू एक्स वाला पोर्शन माइनस करोगे और जो पैराबोला है वो टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग ये आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So, कुछ डाउट है अभी का, प्राची नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आप लोगों का सेकंड लेक्चर है ना, ठीक है। तो ये सब सम्स जो है ना अच्छे से रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, चलो टेक केयर।